साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों मेरा काम जो होता है आप लोगों को बताना, सिर्फ उपाय बताना, आप लोगों की तकलीफ जो होती है सारी तकलीफों के लिए सॉल्यूशन देना। लेकिन दोस्तों उपाय करना है कि नहीं करना है, या कितने दिल से करना है, कितने विश्वास से करना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग पूरी श्रद्धा से विश्वास से कोई भी उपाय करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट आता है, आता ही है, मिलता ही है। लेकिन आप लोग डाउट क्रिएट करके अगर कुछ उपाय करते हैं कि चलो करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो रिजल्ट मिलना नहीं मिलना, कितनी मात्रा में मिलना, कब मिलना, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। पूरी आस्था और विश्वास से यदि करेंगे दोस्तों तो हर चीज रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं अनबैलेंस होते हैं, तो एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट मिलेगा नहीं। परेशानियां आती हैं, अचानक से आती हैं, और जब उपाय करते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी अचानक से ही आता है। दोस्तों प्रकृति का एक नियम होता है, अगर प्रकृति का या भगवान का एक नियम कह लें कि भगवान यदि आपकी रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है, आपने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी परेशानी है, परेशानी में चल रहा हूं, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान पूरे अस्त्र शस्त्र लेके अष्ट भुजाओं से माता दुर्गा माता काली आपके सामने प्रकट होकर आपकी रक्षा करेंगी। वो आपको रास्ता दिखाएंगी। प्रकृति कुदरत आपको रास्ता दिखाती है। जैसे कि ये जानकारी अब तक पहुंची है, ये वीडियो अब तक पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति आपको रास्ता दिखा रही है। कर्म आपको करने पड़ेंगे। अगर कोई आपको जानकारी मिल रही है तो ये कर्म आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक बात और भी आती है कि आपको श्रद्धा से करना पड़ेगा, विश्वास के साथ में करना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट भी अगर डाउट हो जाता है कि चलो करके देखते हैं, हम लोग हमारे दिमाग में चलता रहता है कि करके देखते हैं, अगर नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, ये डाउट क्रिएट हो जाता है। और ये क्या होता है, जो इसका रिजल्ट मिलने वाला होता है इसको ब्लॉक कर देता है। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ में अगर आप कोई प्रयोग करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए, तो 100% उसका रिजल्ट आता है। तो कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों श्रद्धा से विश्वास से करिए, क्योंकि मिरेकल चमत्कार आपका दिमाग करता है, आपका विश्वास करता है, आपकी पॉजिटिविटी करती है। तो एक छोटा सा मैं उपाय दोस्तों आपको बता रहा हूं। मंगल जो है भूमि पुत्र है, ठीक है, और हम क्या है, पृथ्वी से हमेशा, भूमि से हमेशा टच में रहते हैं। तो जो भी परेशानी आती है इस पृथ्वी में ही है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बैलेंस कर लें तो हमारी सारी परेशानियां ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। तो एक छोटा सा मैं ऐसे ही प्रयोग आपको बता रहा हूं। दोस्तों एक काम और आप करिए, जो लोग कर्जवान हैं, पैसों से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनका खुद का मकान नहीं है, जो किराए पे, मैंने कमेंट्स देखा था कि किराए के मकान में रह के थक गए हैं, खुद का मकान चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मंगल को यदि आपने मजबूत कर लिया, तो मंगल मजबूत जब होता है, अगर मजबूत हो जाता है तो भूमि या भवन संबंधित कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रदान करेगा। तो मंगल का एक शावर मंत्र है। शावर मंत्र ऐसे होते हैं जो तुरंत में काम करते हैं। बस यहां पर बात आती है कि श्रद्धा और विश्वास की। तो मंगल का जो शावर मंत्र है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस मंत्र को आपको क्या करना है, मंगलवार की रात्रि से 9 बजे, मंगल का जो अंक है वो है 9, तो 9 बजे आप क्या करेंगे, जैसे 9 बजता है तो सिर्फ 10 बार आपको इस शावर मंत्र को आपको मंगलवार की रात्रि से 9 बजे शुरू करना है, और डेली आपको स्वच्छ होकर के सिर्फ 10 बार आपको मंत्र का जाप करना है। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों मंगल आपके मजबूत होंगे तो आपको कितना बेस्ट आपको रिजल्ट देंगे। शावर मंत्र दोस्तों बहुत शक्तिशाली होते हैं, मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं। और मंगलवार के दिन में दोस्तों क्या करें आप, कि कन्याओं को गुड़ जो होता है मंगल को बहुत प्रिय है, ठीक है, तो गुड़ का दान करें, गुड़ खिलाएं, छोटे बच्चों को गुड़ दान करें, इससे मंगल बहुत मजबूत होते हैं। और एक मंगलवार का जो आपको छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, अगर ये कुछ ही दिनों आप करेंगे तो धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी परेशानी है, या मंगल आपका मजबूत नहीं है, अशुभ फल दे रहा है, या फिर शारीरिक रूप से आपको जुनून नहीं है, अंदर से उत्साह नहीं है, एकदम आलसी टाइप की आती है, तो ये मंगल आपके कमजोर है। मंगल दोस्तों मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ कर सकते हैं, शरीर सबसे बड़ा धन है। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं
कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है, कोई परेशानी में है, उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। आपके एक शेयर से और लोगों का ही भला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करना क्या है आपको, सोमवार की रात्रि में इस प्रयोग को आपको करना है। ठीक है, सोमवार की रात्रि में आप क्या करें, गुड़ ले लें छोटे छोटे से, चने से थोड़ा बड़े इतने, इसके 9 पीस कर लें। 9 का जो अंक होता है मंगल का होता है, 9 पीस कर लेंगे। एक पीस उठा करके आपका जो गैस चूल्हा है जहां पर आपका खाना पकता है, रसोई बनती है, गैस चूल्हा है, स्टोव है, जो भी है, एक टुकड़ा वहां पर रख दें। ठीक है, एक टुकड़ा ये जो आप रसोई में रखेंगे ये आपके अन्न धन के भंडार भरेगा, दूसरा टुकड़ा आपको तिजोरी में यहां जहां जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। ठीक है, और जो 7 टुकड़े जो बचेंगे इसको एक छोटे से लाल कपड़े में लपेट करके अपने तकिए के नीचे रख लें। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपकी क्या परेशानी है, जब सोने जाने लगेंगे तो उस चीज को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, कि आपकी धन संबंधित परेशानी है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो रहा है, या फिर कर्ज की समस्या है तो इससे आपको छुटकारा चाहिए, या कोई काम है वर्षों से जो रुका हुआ वो काम नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी है, कोर्ट कचहरी संबंधित परेशानी है, या जो भी एपीजेट आपकी परेशानी है वो परेशानी आपकी जिंदगी से चली जाए, ऐसे आप प्रार्थना करते हुए और आप सो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको एक टुकड़े उठाने हैं। ठीक है, गैस में रखा हुआ था उसको उठा लेंगे, तिजोरी में रखा हुआ था उसको उठा लेंगे, और साथ में अपने जो तकिए के नीचे रखा हुआ था इसको उठा लेंगे। इन सभी टुकड़ों को ले जाकर के पहले हाथ में रखेंगे। ठीक है, और मंगल का जो शावर मंत्र है, मंगल का जो शावर मंत्र है ये आप 9 बार चैंट करेंगे इसको हाथ में रख के, और अपनी मनोकामना बोलेंगे, कर्ज उतर जाए, ठीक है, या फिर पैसा आना शुरू हो जाए, बरकत होना शुरू हो जाए, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा वो चलना शुरू हो जाए, खुद का घर चाहते हैं तो मेरा खुद का घर हो जाए। ठीक है, जो भी परेशानी है, दुश्मन शत्रु शारीरिक रूप से परेशान है, जो भी परेशानी है वो परेशानी आप बोल देंगे, पहले शावर मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद में मनोकामना परेशानी बोलेंगे। ठीक है, ये करने के बाद में अब कोई लाल गाय यदि आपको दिख जाती है, भूरे रंग की जो गाय होती है, ठीक है, एक रोटी जो आपके घर की पहली ये आप सोमवार की रात्रि में प्रयोग करेंगे, और दूसरे दिन क्या है, मंगलवार है। ठीक है, तो मंगलवार को आपको क्या करना है, घर की जो पहली रोटी आपकी सिकेगी, ठीक है, उसमें आपको 5 उंगलियों से जितनी गेहूं आ जाए 9 बार, एक बार उठाई अपने गेहूं एक बार रखी, ऐसे 9 बार आपको 5 उंगलियों से जितनी गेहूं आए उसमें आपको रख देना है, और ये लाल कपड़ा जो होगा इसको निकाल करके जो 9 टुकड़े थे इन टुकड़ों को उसमें आप रख देंगे। अब जो भी लाल गाय अगर मिल जाती तो बेस्ट है, नहीं तो सफेद गाय, कोई सी भी रंग की गाय अगर लाल गाय को खिलाएंगे यानी कि भूरे रंग की गाय तो बेस्ट रहेगा, उसको आप ये रोटी खिला दें। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 या 3 मंगलवार इस प्रयोग को करिए, सोमवार की रात्रि से शुरू करना है, 3 या 4 मंगलवार आप करिए, और 9 मंगलवार आपने कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, खुद का घर बनने के योग बन जाएंगे, कर्ज मुक्ति के योग बन जाएंगे, और जो मंगल का शावर मंत्र मैं दे रहा हूं दोस्तों इसको आप नित्य प्रति जाप करते रहेंगे तो जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी से संबंधित जो भी लाभ आपको मिलने चाहिए, मंगल से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए वो सारे लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। प्रयोग दोस्तों बहुत चमत्कारिक है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि पॉजिटिविटी के साथ में। उपाय सुनने में दोस्तों लगता है कि बहुत छोटे हैं, सामान्य है, लेकिन मैं एक वीडियो मैंने बताया हुआ था कि पीपल वृक्ष होता है, बरगद वृक्ष होता है, उसके बीज आप देखेंगे बिल्कुल बारीक सा होता है, लेकिन जब उसको पृथ्वी में दबाते हैं तो विशाल पेड़ निकल आता है। वैसे उपाय सुनने में देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम सच्ची श्रद्धा विश्वास से इन प्रयोग को करते हैं तो इनका रिजल्ट चमत्कारिक रूप से आता है। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मंत्र जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मंत्र में एक चीज आपको याद रखना है कि जिस तरीके से मंत्र दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आपको जाप करना है, उसमें कोई भी आपको सुधार नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही आपको मंगलवार की रात्रि में 9 बजे से शुरू करेंगे, 10 बार जाप करेंगे, नित्य प्रति आपको फिर रात्रि में ही जाप करना है 9 बजे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सारी परेशानियां दूर होंगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, प्रकृति को आप अगर पॉजिटिव चीजें देंगे तो प्रकृति आपको पॉजिटिव चीजें ही देगी, जिंदगी से नफरत करेंगे तो जिंदगी में नफरत ही आएगी, तकलीफें आएंगी। हमेशा बोले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है,
जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। परमात्मा मुझे कभी गिरने नहीं देगा। हमेशा ग्रेटफुल रहें, आभार व्यक्त करें। अगर आभार व्यक्त करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, और यदि आप तकलीफें शिकायतें शेयर करेंगे, शिकायतें बोलेंगे भगवान से, तो फिर जिंदगी में तकलीफें आएंगी। इसलिए हमेशा अपने आप से सेल्फ लव करें, प्यार करें, भगवान को धन्यवाद करें। जितना धन्यवाद करेंगे ब्लेसिंग्स आएंगी। जो भी जिंदगी में चाहते हैं वो सब चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अगर तकलीफें चाहते हैं तो वैसी वर्ड यूज करें, पॉजिटिविटी चाहते हैं तो पॉजिटिव वर्ड यूज करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।